हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन कि व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर, दिस होल बी ए सिंगल और ए ग्रुप। यानी फ्रैक्शन है वो एक पार्ट होता है एक होल नंबर का, और वो होल नंबर है वो एक सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन 1/2 हमारे पास एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन है ये 1/2, ये पार्ट है होल नंबर का, यानी 1 का ये पार्ट है, इसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन। 1/2 इज ए पार्ट ऑफ होल, ये एक पूर्ण संख्या एक होल नंबर का पार्ट है, 1/2 उसका एक भाग है। फ्रैक्शन को हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पर 1/2 में 1 है वो इक्वल है न्यूमरेटर के, और जो 2 है वो हमारा है डिनोमिनेटर। 1/2 इज ए फ्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? ए नंबर हुज वैल्यू इज लेस देन 1, या ए फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन बोलेंगे, ए फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1, वैल्यू लेस देन 1, एक फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम है। फॉर एग्जाम्पल 1/4, तो 1/4 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज ए फ्रैक्शन ऑल्सो बट ए प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, कम है। सो इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है डिनोमिनेटर, यानी 1 है वो लेस देन क्या है, 4। तो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 से लेस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन 1। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, एक फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर देन, बड़ी है 1 से, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 4/3, 4/3 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। 4/3 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से क्या है, ग्रेटर देन है। इसमें जो न्यूमरेटर है 4 वो ग्रेटर, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर 3 से। तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो वैल्यू ग्रेटर देन 1। सो ए फ्रैक्शन इन विच वैल्यू ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन इन विच वन पार्ट इज कंप्लीट एंड अदर पार्ट इज ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है, जैसे 1 है ये कंप्लीट है, और जो नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है, उसे हम कहेंगे
मिक्सड फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 1 1/2, ये एक मिक्सड फ्रैक्शन है। इसके अंदर ये जो पार्ट है ये कंप्लीट है और ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शन है, ये होल का पार्ट है, तो इसे हम बोलेंगे मिक्सड फ्रैक्शन। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। नंबर लाइन क्या होती है, व्हाट इज नंबर लाइन? ये हमने एक नंबर लाइन खींच ली, ये जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जीरो से इधर आएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, ये सभी फ्रैक्शंस क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन ये तीन फ्रैक्शन है जो ये पहले जो तीन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये है जो 4/4, इसकी वैल्यू है 1। इन सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। जितने हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, इन सभी फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट 1/2 को, इन दो को, तीन को ले लेते हैं, 0 और 1, इनकी वैल्यू 1/4, 3/4 और 4/4 की वैल्यू है वो 0 से 1 तक, या 0 और 1 के बीच में, या 0 से 1 तक कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो हमने 0 और 1 के 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 1, 2, 3, 4, 4 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट 1/4, 1/4, 0 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा है, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है फिर 3/4, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 3/4। फिर है 4/4, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पॉइंट हो जाएगा 4/4, या कह सकते हैं हम 4/4 = 1। अब हमारे पास रह गया 1/2। 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है हाफ, 1 का हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 1 है, तो इसका हाफ कहाँ पे होगा, यहाँ पर मिडल में, बिल्कुल मिडल में, बीच में। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4। 1/2 और 2/4 दोनों सेम नंबर हैं, तो 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर 2/4 कहाँ होगा, हमने इक्वल 4 पार्ट्स कर लिए, 2 सेकंड नंबर पर, फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, या हम कह सकते हैं 2/4। तो इस तरह से हम ये फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने भी फ्रैक्शन हमारे पास हैं इन सब की वैल्यू है वो 1 से लेस है। इन सब फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या है, 1 से लेस। ये सभी फ्रैक्शंस हैं, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस है, तो यहाँ पर ये सभी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम, और ये सभी 0 से क्या है, ग्रेटर, तो ये 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं पर लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 इस डिस्टेंस के हम 8 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, क्योंकि अपॉन में क्या 8, तो हम इससे 0 से 1 डिस्टेंस है इसके 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हमने लिया तक 8।
एट इक्वल पार्ट्स। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास है वन अपॉन एट, वन अपॉन एट। तो फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पहुँच गए हम, ये फर्स्ट नंबर है, ये हो जाएगा वन अपॉन एट। फिर है टू अपॉन एट, फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड पॉइंट है वो हो जाएगा टू अपॉन एट। थर्ड पॉइंट है वो हो जाएगा थ्री अपॉन एट। सेवन जो पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये हमारा हो जाएगा सेवन अपॉन एट। तो इस तरह से हम इन सभी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, एट अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव। टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव, ये तीनों फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन तीनों की वैल्यू एक से क्या होगी, लेस। एट अपॉन फाइव को मैं एक बार छोड़ देते हैं, तीन को लेके चलते हैं। इनकी वैल्यू होगी जीरो से लेकर के वन के बीच में कहीं ना कहीं। अब नीचे हमारे पास है वन फाइव 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 और फाइव, तो इक्वल फाइव पार्ट्स करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ तक हो जाएगा हमारा, ये हमारा वन हो जाएगा। हमने फाइव इक्वल पार्ट्स कर लिए इसके। अब सबसे पहले टू अपॉन फाइव, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा फर्स्ट और ये सेकंड है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा टू अपॉन फाइव। फिर थ्री अपॉन फाइव, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव। इसके बाद है फोर अपॉन फाइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर, फोर अपॉन फाइव। तो इस प्रकार से ये तीनों फ्रैक्शन को हमने इसके ऊपर लोकेट कर दिया। अब हमारे पास बचता है एट अपॉन फाइव। एट अपॉन फाइव है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू है वो एक से क्या है, ग्रेटर है, एक से ग्रेटर है और दो से क्या है, लेस है, ग्रेटर देन वन लेस देन टू। एट अपॉन फाइव की वैल्यू एक से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर है, तो ये वन और टू के बीच में कहीं आएगा। तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर टू। ये जो डिस्टेंस है जीरो से वन, ये वन है और ये यहाँ से डिस्टेंस है ये टू है। तो एट अपॉन फाइव होगा वो वन और टू के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। एट अपॉन फाइव को हम लिख सकते हैं एट अपॉन फाइव, इसको हम लिख देंगे वन थ्री अपॉन फाइव। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वन से थ्री अपॉन फाइव क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास हो जाएगा वन। अब वन से आगे थ्री अपॉन फाइव और ढूंढना हमें, तो वन और टू के बीच में हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिसकी वैल्यू थ्री अपॉन फाइव हो, वन और टू के बीच में। तो वन और टू के हम फाइव इक्वल पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, फाइव इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए। हमें अब थ्री अपॉन फाइव को ढूंढना है कहाँ पर, उसको देखना है। तो यहाँ से चलेंगे हम फर्स्ट से आगे थर्ड पॉइंट पे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एट अपॉन फाइव, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये वन है और ये डिस्टेंस है थ्री अपॉन फाइव, तो टोटल हो जाएगी एट अपॉन फाइव। एट अपॉन फाइव को हम लिख लिया वन थ्री अपॉन फाइव, तो वन प्लस थ्री अपॉन फाइव, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वन और इससे आगे थ्री अपॉन फाइव, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है थ्री अपॉन फाइव, तो टोटल हो जाएगी हमारी एट अपॉन फाइव। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्सड फ्रैक्शन, हमें यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको मिक्सड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 20 अपॉन 3, इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जैसे 1 1 अपॉन 2, इस टाइप का फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 20 को डिवाइड करेंगे 3 से,
सिक्स जा 18, रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसको हम लिखेंगे 20/3 इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको लिखने का मेथड क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का मेथड, सबसे पहले हम लेंगे हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आया 6, उसके बाद सबसे नीचे लेंगे हम जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर था 3, और यहाँ पर लिखेंगे ऊपर जो हमारे पास रिमाइंडर है, तो हो जाएगा 6 2/3। इसको इस तरह से लिखेंगे, 20 को हमने डिवाइड किया 3 से, 6 हमारा कोशेंट आया, 2 रिमाइंडर है, तो इसको हम लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो डिनोमिनेटर में है 3, अपॉन उसके ऊपर आएगा यहाँ पर जो रिमाइंडर है, और साथ में आएगा जो हमारा आंसर आया, जो कोशेंट आया है 6, तो 6 2/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, 11/5 डिवाइड करेंगे 11 को 5 से, 5 2 10, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1, तो हमें इसको 11/5 को लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम डिनोमिनेटर को 5, ऊपर इसके आएगा जो हमारा रिमाइंडर है 1, और यहाँ पर लिखेंगे 2, ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, 17/7, इसमें वही करेंगे 17 को डिवाइड करेंगे पहले हम 7 से, 7 2 14, रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसको हम लिख देंगे 17/7 इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 7, उसके ऊपर लिखेंगे जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा कितना है 3, और साथ में क्या आएगा 2, जो कोशियंट है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 28/5, सेम इसके अंदर भी वही करेंगे 28 को डिवाइड करेंगे पहले 5 से, 5 5 जो 25, रिमाइंडर आएगा 3, तो 28/5 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर 5 आएगा, उसके ऊपर जो हमारा रिमाइंडर है 3, और यहाँ पर क्या आएगा 5, तो 5 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ई पार्ट है 19/6, तो 19 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, रिमाइंडर आएगा 1, तो हमारा 19/6 इक्वल टू हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सबसे पहले लिखते हैं हम डिनोमिनेटर 6, उसके ऊपर आएगा हमारा रिमाइंडर 1, और साथ में आएगा फिर 3, तो 3 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35/9, सबसे पहले हम 35 को डिवाइड करेंगे 9 से, 3 पे जाएगा, 9 3 जा 27, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 8, तो 35/9 है इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या डिनोमिनेटर 9, उसके ऊपर क्या आएगा रिमाइंडर सेस फॉर 8, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर 3, तो 3 8/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन का अपोजिट है। सेकंड में हमने एक्सप्रेस किया था इम्प्रॉपर को मिक्स्ड के अंदर,
यहाँ पर हमें मिक्स्ड को चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर के अंदर। तो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, 7 3/4 इक्वल टू हो जाएगा। इसका मेथड क्या है, 4 नीचे का जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 × 7 प्लस करेंगे इसमें ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है 3 अपॉन जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4। ये इसका मेथड है, 7 × 4 हो जाएगा 28 प्लस 3/4 31/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है 5 6/7 सेम मेथड, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, प्लस हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर 6/डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर था 7, इक्वल टू हो जाएगा 7 5 = 35 प्लस 6/7 41/7 दिस इज आवर आंसर। सी पार्ट 2 5/6 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस की करेंगे ऊपर का जो न्यूमरेटर है 5 अपॉन होगा डिनोमिनेटर 6 इक्वल टू 6 × 12 प्लस 5/6 इक्वल टू 12 + 5 17/6 दिस इज आवर आंसर। 10 3/5 डी पार्ट, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, प्लस करेंगे ऊपर का न्यूमरेटर 3 अपॉन डिनोमिनेटर 5 इक्वल टू 50 + 3/5 दैट इज इक्वल टू 53/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, 9 3/7 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, प्लस करेंगे 3/डिनोमिनेटर 7 इक्वल टू 7 9 = 63 प्लस 3/7 इक्वल टू 66/7। नेक्स्ट पार्ट है एफ, 8 4/9 सेम मेथड लगाएंगे यहाँ पर भी, 9 जो हमारा डिनोमिनेटर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 के साथ प्लस करेंगे 4 न्यूमरेटर अपॉन करेंगे डिनोमिनेटर 9 इक्वल टू 72 + 4/9 इक्वल टू 76/9 दिस इज आवर आंसर।